राजनीति से जुड़ी हर खबर चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। ओडिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने वाले आईएएस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया था। इस पर पूर्व चुनाव आयुक्त डॉक्टर एस वाई कुरैशी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अफसर के खिलाफ कार्यवाही दुर्भाग्यपूर्ण है, हमने संवैधानिक संस्थाओं की छवि सुधारने का मौका गंवा दिया। ट्विटर पर पूर्व चुनाव आयुक्त डॉक्टर एस वाई कुरैशी ने कहा कि ओडिशा में पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने वाले पर्यवेक्षक का निलंबन न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि हमने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक संस्थाओं की छवि को सुधारने का बढ़िया मौका भी गंवा दिया है। दोनों संस्थाओं की जनता के प्रति जवाबदेही है। पीएम मोदी लगातार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं और चुनाव आयोग हर बार इसे नजरअंदाज कर रहा है। डॉक्टर एस वाई कुरैशी ने कहा कि कानून सभी पर लागू होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक। अगर हेलीकॉप्टर की तलाशी करने के मामले में कार्यवाही नहीं की जाती तो इससे चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री जैसी संस्थाओं की जा रही निंदा रुक जाती, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। अब दोनों संस्थाओं की निंदा की जा रही है। चुनाव आयोग की इस कार्यवाही के बाद आयोग और प्रधानमंत्री की चौतरफा आलोचना शुरू हो गई थी। अब इस आलोचना करने वालों की लिस्ट में पूर्व चुनाव आयुक्त डॉक्टर एस वाई कुरैशी भी शामिल हो गए हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो इस लाइक को शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।